फ्रेंड्स, टुडे आई टीच यू ग्रामर स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 4 है नाउन। नाउन हम लोग पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था, सो काफी दिन हो गए इसको पढ़ते पढ़ते। सो लास्ट टॉपिक और है कंक्रीट नाउन। अच्छा, वी कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन में वी कैन सी एंड टच, हम इसे देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बुक मदर फ्लीट द गंगा ईटीसी। अच्छा, यहाँ इसके बारे में एक क्लू है, देखो कॉमन नाउन्स, मैटेरियल नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स एंड कनेक्टिव नाउन्स। ये नाउन्स थे और एक और था अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन्स के टाइप थे, बट इसमें जो कॉमन नाउन है, मैटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जो फोर टाइप के नाउन है ये कंक्रीट नाउन में आते हैं। क्योंकि कॉमन नाउन में क्या होता है कि डॉक्टर है तो डॉक्टर को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, और मटेरियल नाउन है कोई भी इंग्रेडिएंट से बनी हुई कोई भी थिंग्स तो हम उसको भी देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन तो एग्जैक्टली किसी को हम प्रॉपर मतलब किसी को पर्टिकुलर बुलाते हैं, किसी को हम तो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम या सिटी का नेम हो सकता है। कलेक्टिव नाउन में होता है समूह दर्शाता है जिसमें ग्रुप हो। ओके, अब इंसान मैन पीपल का ग्रुप हो सकता है और एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है, बंचेस का, एनिमल्स, काफी सारे लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों ग्रुप हो जाएंगे। सो अब इसी तो ये आपकी कंक्रीट नाउन है। ओके, सो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, रीड द सेंटेंसेस एंड फिल द ब्लैंक्स। यहाँ आपको सेंटेंसेस रीड करना है एंड सेकेंड साइड में एक दो कॉलम दिए हैं जिसमें एक में कंक्रीट नाउन है और दूसरे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कंक्रीट नाउन में क्या था, नैना है जो यहाँ फर्स्ट शब्द, नैना हैज ए वीकनेस ऑफ स्वीट्स। यहाँ ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें आपको देखना है कि इसमें से कंक्रीट नाउन में क्या आएगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम ओनली फील कर सकते हैं, वी कांट टच फील। ओके, हम उसे छू क्या, वी कांट डोंट टच, मैं जिसको टच नहीं कर सकती हूँ एंड नॉट सी, और देख भी नहीं सकती हूँ। सो फर्स्ट है नैना हैज ए वीकनेस ऑफ स्वीट्स। इसमें जो नैना है ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर हम किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, तो यहाँ नैना जो है वो यहाँ जाएगा कंक्रीट नाउन में एंड ये प्रॉपर नाउन हो गया। वीकनेस जो है ये हमें दिख तो रही नहीं है ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साइड में लिखोगे। एंड स्वीट्स जो है मिठाई है ये कॉमन नाउन में लिखेंगे, अब आई मीन कंक्रीट नाउन में ही लिखेंगे, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए क्यों है ये, इसलिए बता रही हूँ। हिज ऑनेस्टी इज एडमायर्ड बाय प्यूपिल। यहाँ ऑनेस्टी जो है ये क्या है, ऑनेस्टी और एडमायर ये दो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नीचे लिखेंगे। एंड जो प्यूपिल है और ये क्या है, प्यूपिल जो है प्यूपिल लोग, यहाँ ये जाएगा आपका इसमें कंक्रीट नाउन में। ओके, नेक्स्ट है द डॉग इज नो फॉर इट्स लॉयलिटी। यहाँ जो डॉग है वो कंक्रीट नाउन में और लॉयलिटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाए, क्योंकि ये दिखने के लिए वफादारी। फोर है मैरी वाज फुल ऑफ एंथुसियाज्म। यहाँ मैरी जो है वो कंक्रीट नाउन में, एंथुसियाज्म जो है जो वो दिखता नहीं है, उत्सुकता वो किस में जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हंगर हैड मेड द बेगर वीक। यहाँ बेगर और जो है वो कंक्रीट में जाएगा, हंगर एंड वीक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। ओके, सो ये नाउन वाला चैप्टर जो है वो फिनिश है एंड नेक्स्ट आगे चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में। ओके, होमवर्क में आपका ये है, आप उसको लिख लेना कहीं भी और रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू।